मध्य प्रदेश के खरगोन में गृह मंत्री बाला बच्चन ने पीसीसी अध्यक्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिंधिया के 3 दिन तक दिल्ली में जमे रहने को लेकर गृह मंत्री का कहना है, सिंधिया जी ग्वालियर सहित देश के भी लीडर हैं, इसीलिए कहीं भी जा सकते हैं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कमलनाथ ही है पीसीसी अध्यक्ष। बड़वानी से खंडवा की ओर जा रहे हैं गृह मंत्री बाला बच्चन। खरगोन के सर्किट हाउस में कुछ देर के लिए रुके। यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए गृह मंत्री बच्चन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 दिन तक दिल्ली में जमे रहने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। सिंधिया जी ग्वालियर सहित देश के भी लीडर है, इसीलिए कहीं भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा, यह गलत है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। पीसीसी अध्यक्ष के लिए प्रोसेस होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले इसमें हमेशा स्क्रूटनी होती है, उसकी प्रोसेस होती है, जो भी होना है प्रोसेस के अंतर्गत ही होगा। अभी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास ही पीसीसी अध्यक्ष पद है। कांग्रेस का लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, लोगों को विफलता बताएं, कौन सी विफलता है? हम लोगों ने पिछले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता से जो वादा किया था, जो वचन दिया था, जो कमिटमेंट किया था, उन कमिटमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बखूबी हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे वो बिजली बिल हाफ करने वाली बात हो, चाहे घर की जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल है उसकी 100 यूनिट बिजली देने की बात हो, 385 रुपये में 150 यूनिट बिजली देने की बात हो, पेंशन जो हम लोगों ने 300 से 600 रुपये कर दी है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को हम लोगों ने बढ़ा दिया, और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था उन कमिटमेंट्स में हम लोग बखूबी काम कर रहे हैं। सिंधिया जी पिछले 3 दिनों से दिल्ली में है, क्या लग रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन हो गया? सिंधिया जी दिल्ली की ग्वालियर भी मध्य प्रदेश में भी और देश के लीडर सब जगह रहते हैं। क्या इसके लगाए जा रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन के लिए? नहीं नहीं, सब कुछ भी नहीं है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सब स्मूथली देखिए, जो प्रोसेस जो होती है नॉमिनेशन वाली, जो पार्टी में संगठन में वो प्रोसेस के अंतर्गत भी जो भी होना है उसके अंतर्गत ही होना है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के पास ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का जो पद है, तो इसमें कोई किसी भी तरीके की जो जैसे जो अटकलें लगाई जा रही है, अनुमान जो लगाए जा रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। सब स्मूथली प्रोसेस में पीसीसी अध्यक्ष का डिसीजन श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे जितने बागे जी द्वारा नेता है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी हैं, इनके द्वारा इजीली हो जाएगा। आपका नाम भी चल रहा है ठीक। देखो, हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है, काम करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ जो जिम्मेदारी अगर जो दी जाती है पार्टी के द्वारा, उसका ठीक ढंग से हम लोग निर्वहन करें, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। गुटबाजी भी देखी जा रही है जिस तरीके से, कांग्रेस में कोई गुटबाजी हाथ आ रहा है, कोई गुटबाजी नहीं है, और सारे सब लोग हम सब मिल के एक हैं। ये सिर्फ इस तरह की अटकलें लगाई जाती है, और पता नहीं मतलब कुछ लोगों के द्वारा मार्केट में ऐसी बातें डाली जाती है, मैं कैसा बिल्कुल नहीं। अब तक अध्यक्ष बहुत जल्द सरदार सौर के पानी को लेकर, ग्रेवाटर को लेकर कमलनाथ जी ने 2 बार पत्र लिखा गुजरात सरकार, क्या किस तरह से मांग की, क्या पानी की हठधर्मिता है केंद्र सरकार की, इसको मानना चाहिए। देखिए, अगर आप आकर देखेंगे, मेरा खुद का अपना विधानसभा राज्य जिसमें कि बड़वानी जिला है, अलीराजपुर, धार है, झाबा, खरगोन है, यहाँ तक जबरदस्त सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर का जो असर हो रहा है, खूब धमाके हो रहे हैं, और काफ़ी मतलब हलचल मची हुई धरती में, जमीन में, और काफ़ी परिवार तबाह हो रहे हैं। पूरी हठधर्मिता ही कहेंगे, केंद्र सरकार की जो विचार नहीं कर रही है, और बांध की हाइट कम नहीं कर रही है, बांध के गेटों से पानी रिलीज नहीं कर रही है, करना चाहिए, जो हम लोगों की इसकी आवश्यकता है। कल मनावर में कोई धमाके की आवाज़ का मामला था? बिल्कुल, बहुत तेज गति से हमारे यहाँ पर जो मेरी विधानसभा के जो राजपुर के उमरिया है, साकड़ है, मंदिर है, भमोरी है, बिलवा है, खूब धमाके, बहुत तेज गति से धमाके आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, इसका बहुत असर हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने निवेदन किया है, और इसी कारण से हम सबकी मांग पर ही माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखे हैं, और लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी है, और जो हम लोगों की जरूरत अतिवृष्टि को लेकर कोई देखिए, हमारे दोनों विधायक जो हमारी जिला अध्यक्ष विधायक भी, हमारी सेकंड टाइम की कमेटी चुनाव जो कांग्रेस पार्टी की खरगोन जिले की जिला अध्यक्ष भी है, आदरणीय हमारे रवि भाई जोशी भी हैं, आप अभी सब ने किसानों के हम लोगों को आगे आने वाले समय की जो आने वाला जो संकट जो दिख रहा है, उस कारण से हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, और इससे संबंधित जो किसानों को एक राहत मिल सके, निजात जो मिल सके, इससे केंद्र सरकार से संबंधित जो हमारे दोनों विधायक दलों ने, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों ने और जनता जनार्दन ने जो ज्ञापन दिए हैं, देखिए मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सब सारी चीज़ें किसानों के